सुना होगा कि लर्न द साइंस, एक्ट अर्ली या इसी के कोई अलग अलग तरीकों में ये चीज़ें बताई जाती हैं और आपने सोचा होगा इसका मतलब क्या है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक छोटे बच्चे के पालक या माता पिता होने के नाते आप जाने कि विकास कैसे होता है, बच्चों का विकास कैसे होता है, किस गति से होता है, कौन से स्टेज में बच्चा कौन से कौशल सीखता है, कब आपको चिंता करनी चाहिए, क्या साइंस है जिसकी वजह से आपको लगना चाहिए कि अभी मुझे ज़रूरत है किसी के पास जाके एक्ट करने की, मैं किसी के पास जाऊं, सलाह लूं, क्यों मेरे बच्चे में ये लक्षण दिख रहे हैं, क्यों उसके विकास के कौशल पीछे हैं। और अगर जानने के बाद अगर हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे के विकास में सच में देरी है उसकी उम्र के दूसरे बच्चों से, तो हमें तुरंत इंटरवेंशन शुरू करना चाहिए, वो स्किल सीखनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजीज थेरेपी शुरू करनी चाहिए जिससे हम हमारे बच्चे के विकास को आगे बढ़ा सकें। जब कोई बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादातर करके उम्र के पहले कुछ सालों में विकास नहीं कर रहा है जैसे दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो उसे हम विकास में विलंब या विकासात्मक देरी बोल सकते हैं। तो विकास के जो कौशल बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उन्हें वो स्पेशल पद्धतियों से सिखाया जाता है जिसे थेरेपीज बोलते हैं। और ऐसे सभी थेरेपीज जो कि बचपन के पहले कुछ साल में विकास विलंबित बच्चों को प्रदान किया जाता है उनके विकास को प्रमोट करने के लिए या विकास को सपोर्ट करने के लिए, उसे अर्ली इंटरवेंशन बोला जाता है। जब बच्चे छोटे रहते हैं, स्पेशली उम्र के पहले 3 साल पकड़ लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि बच्चे लोग बहुत सारे नए कौशल सीखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा हो जाता है जो पेट पीठ के बल लेटा रहता है और वहाँ से 3 साल में वो कितना कुछ सीख लेता है। वो रेंगना सीखता है, उठना, बैठना, खड़े होना, भागना सीखता है, अपने पहले शब्द बोलता है, छोटे छोटे वाक्य बोलता है, लोगों की चीज़ें सुनता है। तो बहुत सारे नए कौशल है जो इस दौरान बच्चे हासिल करते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण काल है या पीरियड्स है जिसमें ये स्किल्स या ये कौशल बच्चे लोग सीखते हैं। तो इसीलिए जिंदगी के या जीवन के पहले कुछ साल विकास के लिए बहुत जरूरी है, बहुत मायने रखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन के कई फायदे हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहला फायदा ये है छोटे बच्चे पे, क्योंकि वो जो विकास के जो कौशल वो नहीं सीख पा रहा था, अर्ली इंटरवेंशन के मदद से वो विकास के कौशल वो अभी सीखना शुरू करता है। इससे उसकी प्रगति होती है, वो नई चीज़ें सीखता है, आगे बढ़ता है। दूसरा जो फायदा है वो है पालकों पर, परिवारों पर। बहुत बार जब हमारे घर पे एक छोटा बच्चा होता है जिसका विकास उम्र के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो पालक बहुत चिंतित होते हैं। वो खुद को ऐसा महसूस करते हैं कि हमें नहीं मालूम क्या करना है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। अर्ली इंटरवेंशन पालकों की मदद करता है, उन्हें वो कलाएं, वो तरीके सिखाता है जिससे वो अपने बच्चे के डेवलपमेंट को, विकास को प्रमोट कर सकें, जिसके वजह से अभी घर पे वो एक सपोर्टिव वातावरण तैयार कर सकते हैं जो कि बच्चे के विकास के लिए भी अच्छा है और पालकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। इसके अंतर्गत आते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट या PTs, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट मदद करते हैं बच्चे लोगों के ग्रोस मोटर स्किल्स या जिसको हम बड़े पेशियों की गतिविधियाँ, चलना, बैठना, भागना, उनके बैलेंस पे, कोऑर्डिनेशन पे, इन सब चीज़ों में मदद करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बैलेंस पे तो काम करती हैं, साथ में फाइन मोटर स्किल्स, छोटे सूक्ष्म मांसपेशियों के काम, जो हाथों के काम होते हैं, रोज़मर्रा की गतिविधियाँ, खेल, ध्यान देने में, इन सभी चीज़ों में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मदद करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट बोलने में, भाषा पिकअप करने में या उसको बढ़ावा देने में, दूसरे लोगों की बातें सुनकर समझ पाने में, खाने में जो चबाना, निगलना, ये सब चीज़ों में स्पीच थेरेपिस्ट मदद करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बर्तावों को सुधारने में, लोगों के साथ सोशल होने में, और बहुत बार पालकों या माता पिताओं के मानसिक स्वास्थ्य पे भी मदद करते हैं।
जब हमारे बच्चे के विकास में देरी हो रही है और अगर हम जल्द से जल्द इंटरवीन करते हैं तो हमारे बच्चे के मेंदू को सीखने के सबसे ज़्यादा मौके मिलते हैं। जब हम इंटरवेंशन जल्दी शुरू करते हैं तो उन्हें समय मिलता है इवन स्कूल शुरू होने के पहले, ताकि वो नई चीज़ें सीख सके। और जब इंटरवेंशन जल्द शुरू किया जाता है तो आगे जाके बाद के सालों में इंटरवेंशन की ज़रूरत, उसकी मात्रा कहीं कम हो जाती है। इनफैक्ट शायद आगे चल के ज़रूरत ही न पड़े और कोई थेरेपी या इंटरवेंशन की। अगर हमारा यह वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।